नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अवसर पर आ चुका है और कई प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सारी पार्टियां ताल ठोक रही है, लेकिन एक मूल प्रश्न यह है कि ब्राह्मण बसपा को वोट क्यों दें और एससी एसटी में तो बहुत सारे नेता हैं, तो बहन मायावती जी ही क्यों, जबकि हम ठोक के कहते हैं कि बसपा आगामी सत्ता में आ रही है उत्तर प्रदेश में और बहन मायावती जी पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो दो तीन आपको हम सटीक पॉइंट्स बता रहे हैं कि बसपा कैसे आ रही है, क्यों आ रही है और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इतना हाईलाइटेड क्यों। तो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको इंतजार नहीं करवाता, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो गाजीपुर तक पहुंचता है उत्तर प्रदेश में, इससे आगे निकल जाता है। कहने का तात्पर्य यह, 164 विधानसभा को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कवर करता है, इसलिए आनन फानन में भाजपा ने जो है वहां पर अपना शिलान्यास कहते हैं या उसको उद्घाटन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, आधे अधूरे चीज को ये जो है कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। और सपा यह कह रही है कि हमारे शासन काल में शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट, तो हमारा है, क्रेडिट लेने की हो रहे हैं। बसपा को सबके सब मीडिया भी और बाकी लोग भी इग्नोर कर रहे हैं, जबकि मैं उत्तर प्रदेश की थोड़ी बहुत समीकरण बता दूं, 3% ठाकुर वोट है और इस वजह से योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर पीठ को छोड़कर अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन आम जनता सवाल यह करती है कि सनातन धर्म का अगुवाई नाथ संप्रदाय के लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी नाथ संप्रदाय से आते हैं, वो सनातन धर्म के नहीं हैं, और श्री राम मंदिर की अगुवाई वो कैसे कर सकते हैं, वो गुरु गोरखनाथ की अगुवाई कर सकते हैं। जितने भी विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के, सपा के, सबका कहना यही है कि योगी आदित्यनाथ जी का असली नाम अजय सिंह विष्ट है, वो उत्तराखंड के हैं, नाथ संप्रदाय से जुड़े योगी आदित्यनाथ कहलाए, आज वह सनातन धर्म की अगुवाई कर रहे हैं, इस तरह से उनके ऊपर हमला कर रही है विपक्ष। अब रही बात यह 16% ब्राह्मण वोट और 23% दलित वोट। आज आपको एक जानकारी और दे देता हूं, 76 सीट उत्तर प्रदेश में रिजर्व सीट है, तो जाहिर सी बात है एससी एसटी के लोग ही वहां पर चुनाव लड़ेंगे। बसपा को चाहिए वह कम से कम रिजर्व सीट को अपने खाते से ना जाने दे, सभी सीट को चुनाव जीतने की कोशिश करें, ताकि एससी एसटी के लिए उत्तर प्रदेश के बहुजनों की आवाज बसपा बन सके, अन्यथा दूसरे दल के लोग अगर चुनाव जीतेंगे तो उन दल की आवाज बनेंगे, एससी एसटी की आवाज नहीं बनेंगे। और रही बात यह कि ब्राह्मण जो 16% हैं वह आपको वोट क्यों दें, यानी बसपा को वोट क्यों दें। तो चुनाव अवसर पर है, नजदीक है, 2-2.5 महीने के बाद जो है प्रथम चरण का, द्वितीय चरण का चुनाव होना शुरू हो जाएगा। ब्राह्मण अपने भाई, अपने भतीजा, अपने बेटा को वोट देंगे, आपको वोट नहीं देंगे। बहन मायावती जी को देखकर ब्राह्मण वोट नहीं देने वाले हैं, ब्राह्मण वोट देंगे अपने भतीजा को, भाई को, बेटा को। और इसलिए बसपा जिस तरह से 2007 में 80 कैंडिडेट ब्राह्मण से दिया था, अगर इस बार भी 100 कैंडिडेट दे दे ब्राह्मण से, तो गारंटी से सारे ब्राह्मण किसी और को वोट ना देकर अपने जाति के लोगों को, अपने भाई भतीजा को वोट देंगे, जो कि बसपा के खाते से जुड़ेगा। और 76 एससी एसटी जो है ये जितवा ले तो 176 हो जाता है, 204 की जरूरत है, 204 सीट आ जाए तो सत्ता आ जाती है। यहां पर प्रश्न यह उठता है कि बसपा का जनाधार अच्छी है जो अल्पसंख्यक को भी चुन चुन कर वोट दे, ताकि अल्पसंख्यक अपने भाई भतीजा को वोट दें, किसी बहकावे में ना आए। और इस तरह से जातीय समीकरण टिकट जारी करते वक्त इनको साधना होगा, ताकि लोग अपने खुद के लिए मेहनत करें और बसपा को उसका फायदा हो। रही बात ये 164 सीट जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ लगती है,
सपा मुखिया समझ रहे हैं कि अगर हम यहां मेहनत करेंगे तो पूर्वांचल हमारे हाथ में आ जाएगा, और भाजपा यही सोच रही है। लेकिन भाजपा का संकट यह है कि 2017 में जब चुनाव हुए थे तो मोदी जी ओबीसी चेहरा बनकर उतरे थे, भाजपा चुनाव जीती थी, योगी आदित्यनाथ जी चुनाव नहीं जीते थे। अगर आपको याद हो तो आप पुरानी हिस्ट्री निकाल लीजिए। अचानक योगी जी को जिम्मेदारी दी गई थी उत्तर प्रदेश की, आज वो चेहरा है, और उस चेहरे के पीछे कांग्रेस सपा सबका कहना यह है कि ये नाथ संप्रदाय के। तो प्रश्न यह उठता है, क्या पूरा सनातन समाज इनको वोट करेगा या नाथ संप्रदाय समझकर साइड हो जाएगा? बसपा के लिए चारों तरफ के रास्ते खुले हुए हैं, अब देखना यह है कि इनकी मेहनत कैसी होती है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।